फ्रेंड्स देख सकते हैं इसमें है अभी ये इंडियन एक्सपेक्टिकल कोबरा, भारतीय नाग। देखिए इसे हमने कल रात को एक जगह से रेस्क्यू किया था और अब हम इसे यहाँ रिलीज करने आए हैं। तो सबसे पहले हमने इसे कहाँ से और कैसे रेस्क्यू किया, आप वो वीडियो देखिए। कलर डार्क आ रहे हैं, भरपूर डार्क आ बरो पहिले असतो बहुत डार्क है कलर। रिंकू म्हणतो सांद्रा कितनी बड़ी आ रहेगा बिल्कुल क्या भी झड़ रहा है कितनी बड़ी का पाई बड़ी जाए तुका तो फ्रेंड्स अभी आपने देखा हमने नाग का रेस्क्यू कहाँ से और कैसे किया। ये एक किंग साइज कोबरा है, देख सकते हैं किंग साइज कोबरा, भारतीय नाग। ये एक मेल कोबरा है और बहुत ही मुश्किल से ये साइज इतने साइज का नाग मिलता है हमें देखने के लिए, क्योंकि अक्सर लोग सांपों को देखते हैं और उसे मार देते हैं और हम लोग हैं जो अपनी जान को खतरे में डाल के ऐसे जीवों को हमारे पर्यावरण के लिए बचाते हैं। एक सबसे खास बात आप देखेंगे इस सांप की, मैं कहूँगा मेरे फ्रेंड को इसका जो ये पैटर्न है, ये ब्लैक लाइन आप देख सकते हैं इसके बॉडी के ऊपर, ये बहुत कम ही देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे बैंड्स बहुत कम ही कोबरा के ऊपर मिलेंगे। तो ये थोड़ा डिफरेंट कलर आपको इसका दिखेगा, आप देख सकते हैं ये बहुत जहरीला सांप होता है, विषैला वेनमस। इसमें न्यूरोटॉक्सिक नाम का वेनम होता है और न्यूरोटॉक्सिक नाम का वेनम होता है इसमें, जो अगर काट ले किसी को तो उसके नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, हार्ट बीट रुक जाती है, दिल धड़कना बंद हो जाता है और मौत हो जाती है इन लोगों की। तो कभी भी ऐसा सांप काट ले तो सीधा हॉस्पिटल जाए और अपना इलाज करवाए, झाड़ फूँक के चक्कर में ना रहे, क्योंकि झाड़ फूँक के चक्कर में समय बर्बाद होगा और जो समय मिलता है 2 से 2.5 घंटे वो नहीं मिलेंगे और मौत हो जाएगी। तो चलिए अब हम इसे यहाँ रिलीज करेंगे। रिलीज करने से पहले गर्मी बहुत है, मैं चाहूँगा कि अगर ये थोड़ा पानी पी ले तो मेरे फ्रेंड को कहूँगा वो पानी का बॉटल देने के लिए। इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, देखता हूँ अगर ये पानी पीता है तो।
फिलहाल ये थोड़ा भी गुस्से में। थोड़ा थोड़ा पी रहा है। यस यस हम इसे पानी पिला रहे हैं, लेकिन ये है कि हमें अपना दुश्मन समझ रहा है। ये तो देखा इस इंडियन एक्सपेक्टिकल कोबरा को। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा काम अच्छा लग रहा होगा और आप हमें ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल का निशान, घंटे का निशान जो है उसे दबा दें, ताकि हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और जल्दी से पहुंचता रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारा काम कैसा लग रहा है। तो हमारा जो मकसद है, हमारा मकसद सिर्फ सांपों जीवों को रेस्क्यू करके उसे रिलीज़ करना नहीं, बल्कि उसके बारे में पूर्ण जानकारी आप तक सभी तक पहुँचाना, ताकि जो गलतफहमियां है, भ्रांतियां है ताकि जो गलतफहमियां है, भ्रांतियां है, लोगों के मन में जो अंधविश्वास है वो दूर हो जाए। और हम वही करते हैं, रेस्क्यू भी करते हैं, सांपों को सुरक्षित जगह पे छोड़ते भी हैं और उसके बारे में पूरी जानकारी भी देते हैं लोगों को, ताकि लोगों के बीच में सही सही जानकारी पहुंचे, लोग भी इन जीवों को बचाए और इन जीवों से सुरक्षित कैसे रहना है वो भी सब सीखे। तो चलिए अब हम इसे यहाँ रिलीज़ करते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको हमारा काम अच्छा लग रहा होगा और आप हमें ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, फिर किसी सांप के साथ, फिर किसी जीव के साथ, और अपना प्यार, आशीर्वाद, सहयोग, सम्मान इसी तरह हमारे ऊपर बनाए रखें, ताकि आपके आशीर्वाद से हम ऐसे जीवों को बचाए और पर्यावरण की रक्षा करते रहे। तो चलिए इसे हम इधर झाड़ी में छोड़ेंगे, हमारे किंग साइज कोबरा को। ये देखिए अपने फन को फैलाता हुआ, अपने हुड को दिखाता हुआ जा रहा है अपने नए घर की तलाश में। थोड़ी सी तकलीफ की बात क्या होती है इन जीवों के लिए, हम जब इसे किसी के घर से रेस्क्यू करते हैं तो उसे वहाँ से हमें दूर ले जाके थोड़ा छोड़ना पड़ता है, और ये बहुत जीवों के लिए थोड़ा तकलीफदायक बात है, क्योंकि उसे वहाँ जाके नया घर ढूंढना पड़ता है, नई जगह, वहाँ अगर दूसरे कोई सांप है तो उसके प्रतिद्वंदी हो जाते हैं। तो बहुत तकलीफ़ है जीवों को अपना जीवन बिताने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में हमें भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मजबूरी है कि हमें वहाँ से हटा के जहाँ पे वो सांप किसी घर में आए तो उसे दूसरी जगह छोड़ना पड़ता है। तो इसी तरह उम्मीद करता हूँ आप हमें ज़रूर सपोर्ट करेंगे, अपना प्यार, आशीर्वाद, सहयोग इस तरह हमारे ऊपर बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।